C1, C2, C3. So, the order
that matrix there are two rows. This is R1 and R2. But column कितने हैं? C1, C2, C3. C1, C2, C3. There are three columns and rows है R1 and R2. Therefore हम इस matrix की order कितनी लिखेंगे? Number of rows कितने हैं? 2 × 3. That is 2/3 of order given matrix. नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं डिपेंड्स अपॉन इट द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स. सो ये था मैट्रिक्स के बारे में डेफिनेशन पार्ट, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. देन वी कैन सी द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ये जो मैट्रिसेस है उसके टाइप्स है वो देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप देखेंगे रो मैट्रिक्स. टाइप ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट है रो मैट्रिक्स. सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स. पहले दोनों हम डिफाइन करेंगे, बाद में नेक्स्ट स्टेप देखेंगे. फर्स्ट रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन उसके वर्ड में ही प्रेजेंट है. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स. जिस मैट्रिक्स में ओनली वन रो रहता है उसे क्या बोलेंगे हम? रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A=1, 2, 3. इन दिस मैट्रिक्स हियर रो कितने हैं? ओनली वन रो. कॉलम 3 है लेकिन रो कितने हैं? 1. देयरफॉर वी कैन से दैट रो मैट्रिक्स. इसकी ऑर्डर कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम C1, C2, C3 ये जो है उसके कॉलम है लेकिन रो है ओनली 1. देयरफॉर ऑर्डर कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज 1/3 इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो मैट्रिक्स का, उसके ऑर्डर है 1/3. देन नेक्स्ट देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन सेम है. रो मैट्रिक्स में क्या होता था? देर इज ओनली वन रो प्रेजेंट. सो सेम कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? देर इज ओनली वन कॉलम प्रेजेंट. सो वी कैन डिफाइन द कॉलम मैट्रिक्स एज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स. जिस मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे. दैट इज 3, 0 से 1 is an example of a column matrix because in this matrix only one column and row है 3. So उसकी order लिखेंगे हम 3/1 because there are 3 rows and only one column. It is example of column matrix and it is example of row matrix. So next देखेंगे हम third type of a matrix. वो है जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स अगेन उसके वर्ड में यूज की डेफिनेशन है. अ मैट्रिक्स हैविंग एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज जीरो मैट्रिक्स. जिस मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट कैसे होते हैं? जीरो, उसे बोलेंगे हम जीरो मैट्रिक्स. सो जीरो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज नोटेड बाय कैपिटल ओ एंड कैन बी रिटन एज एग्जाम्पल ऑफ जीरो मैट्रिक्स. दिस इज 0, 0, 0, 0. उसकी ऑर्डर है 1/1. नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम ऑल्सो 1 एंड उसकी ऑर्डर है 2/2. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स देखने के बाद हम आते हैं अब स्क्वेयर मैट्रिक्स. नेक्स्ट टाइप देखते हैं स्क्वेयर मैट्रिक्स. फोर्थ टाइप स्क्वेयर मैट्रिक्स. स्क्वेयर मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? स्क्वेयर मैट्रिक्स.